मेरा ना नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर है आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं डॉक्टर हूँ मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले तीन साल से कंटेंट बना रहा हूँ साइंस पे कंटेंट बना रहा हूँ ताकि uh, मैं बता सकूँ लोगों को कि उनके दिमाग में क्या हो रहा है ब्रेन कैसे काम करता है एंड ये जानना ज़रूरी क्यों है आई फील कि सबको एक हक होता है ख़ुद के ब्रेन के बारे में पता होना उससे जो एम्पावरमेंट मिलता है दैट इज़ द रोल ऑफ माई कॉन्टेंट और इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपने ब्रेन में ही क्यों अपनी स्पेशलिटी करी ये तो थोड़ी लंबी कहानी है वेनायज इन स्कूल मुझे साइकोलॉजी uh, में बहुत इंटरेस्ट था कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं वाई आर वी द वे वी आर तो इसमें मुझे uh, काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ह्यूमन बिहेवियर पे। तो पहले मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी करूँगा बट माई डैड इज़ अ एम डी मेडिसिन डॉक्टर और वो एक इन्फ्लुएंस हुआ कि चलो मेडिसिन कर लेते हैं बट वो साइकोलॉजी का जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा रहा मेरे साथ देन आई रियलाइज दैट साइकोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड लेकिन एक और एक तरीका होता है पता करने का वो है थ्रू द इन तो ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है जो केमिकल्स है जो नेटवर्क्स है उससे भी पता चल जाता है कि लोग ऐसे क्यों हैं तो आप क्या प्रॉपर स्कैन में देखते हो जी ये तो आपका डे टू डे दे प्रैक्टिस होगा आई जी एम आर आई कर लेता हो सी टी स्कैन कर लेता हो और भी डिटेल टेस्ट होते हैं जैसे फंक्शनल एम आर आई होता है फंक्शनल एम आर आई में आदमी अंदर लेटा हुआ है और अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल लाइट अप ये कैसे पता कि गुस्सा आ रहा है ये भी तो हो सकता है कि कोई और फीलिंग हो जिसको हम गुस्से की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं ब्यूटिफुल अभी आप ऑलरेडी न्यूरो साइंटिस्ट जैसे सोचना शुरू किए हो ये जो हर एक इमोशन का जो ओवरलैप होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज बचपन में हम लोग सोचते हैं कि प्यार अलग है गुस्सा अलग है जेलसी अलग है लेकिन ये सब में जो कनेक्शंस है वो न्यूरोसाइंस अभी पता कर रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ फ़ियर इन लव देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन जेलसी सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स उसमें जो ओवरलैप जो होता है वो न्यूरोसाइंस के थ्रू हमें एक अलग तरीके से देखने मिलता है तो हम एक तरीके से इन दो इमोशंस के बीच में या किसी भी दो इमोशंस के बीच में एक लाइन नहीं खींच सकते और ये नहीं कह सकते कि ये ये है और ये ये है जैसे हमने एम मेडिसिन में ये सीखा कि हम लोग बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ लेकिन बॉडी एक ही है ना हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स पे डिवाइड करते हैं लेकिन right. शरीर तो एक ही है तो हर एक स्पेशलिस्ट को बाकी ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रम होता है एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स अगर हार्ट खराब है तो ब्रेन खराब होगा किडनी खराब होगी थोड़े टाइम में तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है तो सिमिलरली इन एमोशंस और यही फर्क हो गया कि होलिस्टिकली एक प्रॉब्लम को देखना या एक बीमारी को देखना right. और एक फ्रेगमेंटेड वे में देखना right. बिल्कुल क्योंकि हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा है लेकिन उसकी जड़ कुछ और ही हो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट आया था दो हफ्ता पहले उसका हाथ हिल रहा था ओके कंटिन्यूस हिल रहा था एंड ही वॉज बिहेविंग ऑड जिसे अजीब से बात कर रहा था वो एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया क्योंकि हाथ हिल रहा है अजीब से बात कर रहा है टर्नज आउट उनके किडनी में प्रॉब्लम था ही वॉज हैविंग समथिंग कॉल्ड एन्सेफेलोपति मतलब किडनी जब ख़राब होती है तब ब्रेन खराब होता है क्योंकि जो कचरा जो होता है ब्रेन से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलती तो वो ब्रेन में एक्यूमलेट हो जाता है और उसको एन्सेफेलोपति कहते हैं तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अगर किडनी के बारे में अगर नहीं पता होता तो बीमारी पकड़ में नहीं आती hmm. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वे एक ओवरऑल पिक्चर और ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं है कि एवरी पार्ट ऑफ में बहुत बार लाइफ में क्या होता है हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं जबकि हम उसके रूट को नहीं कभी समझ पाते हैं या एक्चुअल में नहीं समझ पाते उसका कॉज क्या है ऐसा आप भी कई बार फेस करते होंगे राइट right? बहुत बार इनफैक्ट हर एक ओपीडी में हर एक पेशेंट मेरे लिए एक एक पजल होता है क्योंकि वो पेशेंट आ रहा है एक प्रॉब्लम से लेकिन क्या वो असली प्रॉब्लम है कि दैट इज जस्ट अ कॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम जिसको उसने देखा ही नहीं है उसने नोटिस भी नहीं किया हो सो दिस इज ऑलवेज देयर तो वहां पे एक डॉक्टर का बायस भी तो आ जाता होगा ना क्योंकि उस तरह का पेशेंट उस तरह के सिम्टम्स के साथ में आपने पहले जब देखा होगा तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट यही आएगा कि अच्छा कुछ वैसा ही है जबकि हर केस अपने आप में अलग होता है राइस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मेडिसिन इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं तो मैंने ये मेडिसिन में देखा था एम में मैं जब पढ़ाई कर रहा था टेक्स्ट बुक है उसमें थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस आते हैं उसमें से दो तीन डिजीज ऐसे होते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं बट वेन यू रीड इट और उसके अगले दिन आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो सडनली हर एक पेशेंट तुमको लगेगा कि ये यही है क्योंकि दैट इज द लास्ट थिंग यू रेड और इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं कि जब ब्रेन ढूंढता है कि इसका कारण क्या होगा तो जो सबसे लास्ट आपने जो सोचा था उसको जोड़ देता है कि ये उसके वैसे ही हुआ होगा दिस ऑलवेज हैपेंस हम लोग जिससे भी मिलते हैं वी लुक फॉर आवर

एक्चुअली समझ में आ गया कि नहीं वो अलग बात है हाँ, बट वो फीलिंग आ जाता है कि मुझे समझ में आ गया और शायद यहां पर फेथ का belief का का बिलीफ इन सब का रोल देखा जाए तो आ जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने ताबीज पहना हुआ है हाँ। जो हम कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो अंधविश्वास है लेकिन उस ताबीज की वजह से अपनी ब्रेन में वो सेफ फील कर रहा है सिक्योर फील कर रहा है तो हो सकता है उसकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाने लग जाए उस ताबीज की वजह से नहीं बट बिकॉज ऑफ दैट थॉट कि मैं सेफ हूं तो वो एट ईज हो गया हंड्रेड परसेंट जैसे एक बच्चा है रो रहा है जैसे ही मम्मी रूम में आ गई रोना बंद हो गया अभी वो अगर समझो वो बच्चा एक्चुअल डेंजर में था द मदर माइट नॉट हैव बीन एबल टू डू अ लॉट लेकिन उसके दिमाग में वो एक कामनेस आ जाता है कि चलो ये है अभी नाउ आई एम सेफ अगर इफ़ द मदर इज नॉट देयर लेकिन मम्मी ने एक लॉकेट दिया है और वो बंदा पहन रहा है वो लॉकेट तो वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन अभी भी हो सकता है कि चलो इन माई माइंड माई मोम इज देयर विद मी तो दैट कैन गिव यू इनफ कामनेस टू डू द एक्चुअल वर्क तो मैं हमेशा